લોકડાઉનના સમયગાળામાં ઇલેક્ટ્રિક બિલ તેમજ અન્ય ટેક્સ માફ કરવામાં આવે તેવી માંગ સાથે હ્યુમન રાઇટ્સ એજ્યુકેશન એસોસિએશનના ડાયરેક્ટર મુકેશ ગુપ્તાએ મુખ્યમંત્રીને મેલ મારફતે રજૂઆત કરી છે। લોકડાઉનને કારણે છેલ્લા 1.5 મહિના ઉપરાંતથી તમામ ધંધા રોજગાર વ્યાપારો બંધ થયા છે। લોકો કફોડી પરિસ્થિતિમાં મુકાઈ ગયા છે। જીવન ગુજારવું મુશ્કેલ બન્યું છે। ત્યારે હ્યુમન રાઇટ એજ્યુકેશન એસોસિએશનના ડાયરેક્ટર મુકેશ ગુપ્તાએ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીને લોકોનું ઇલેક્ટ્રિક બિલ તેમજ અન્ય ટેક્સ માફ કરવામાં આવે તેવી માંગ સાથે મેલ કરી મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરી છે। અભી કોવિડ-19 કા યે અપના થર્ડ લોકડાઉન ચલ રહા હૈ और इस समय बहुत ज़्यादा हमारे केस बढ़ते चले जा रहे हैं। 60,000 के ऊपर हमारे केसेस हो चुके हैं और हम लोग इस चीज़ के लिए पूरी गवर्नमेंट पूरी तरीके से प्रयास कर रही है कि हम इसको कंट्रोल करें, लेकिन न जाने कहाँ से ये प्रॉब्लम्स चलती चली आ रही हैं। इस समय सभी लोगों को खाने पीने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और ऐसे समय में ये लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये वाटर टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, ये बहुत बड़ा वर्डन है सभी लोगों के ऊपर। तो मैं आज अपने एक लेटर के थ्रू सीएम श्री रूपानी जी, गुजरात स्टेट के चीफ मिनिस्टर श्री विजय रूपानी जी, अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अपने होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को मैं एक लेटर लिखा है कि एटलीस्ट कोविड पीरियड के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल को वेवर करें। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वाटर बिल है, प्लस जो हमारा टैक्सेस आते हैं, क्योंकि इस समय सभी बिजनेस, सभी जॉब इस समय बंद पड़ी हुई है। हर आदमी बहुत डिप्रेस्ड है, परेशान है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम अपने सरकार से, एक इंडियन सिटीजन होने के साथ साथ एक ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एसोसिएशन के डायरेक्टर होने के साथ साथ, मैं सभी अपने चीफ मिनिस्टर, अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे सबकी भलाई के लिए, वेल विशेस के लिए, प्लीज़ लाइट बिल के अंदर हमको वेवर्स दीजिएगा। लाइट बिल है, वाटर टैक्स है, म्यूनिसिपल टैक्स है, और इसके साथ साथ हम लोग पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि हम लोग किस हर तरीके से लॉकडाउन को सक्सेस करने के लिए आगे बढ़ें। देश के साथ में हम लोग हैं, आपके साथ में, लेकिन आपको भी हमारे साथ में रह के हमारा ये करना पड़ेगा। एक लेटर मैंने आपको लिखा है, तो प्लीज़ इसमें कुछ करिए इसके अंदर, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है, बहुत मेंटली डिप्रेस्ड है। साइकेट्रिक केस 70% बढ़ गए हैं। हर आदमी खाली बैठे बैठे परेशान है कि मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा। बहुत सारे लोन लिए हुए हैं लोगों ने, गाड़ी के लोन लिए हुए हैं, मकान के लोन लिए हुए हैं, एजुकेशन लोन लिए हुए हैं, तो उनकी इंस्टॉलमेंट कैसे देंगे, ये कहाँ से देंगे, किस टाइप से देंगे। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से एक नम्र विनती है कि प्लीज़ 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 इस सब्जेक्ट में कुछ करें। और मेरी श्री विजय रूपाणी जी से और सभी मंत्रीगण से ये प्रार्थना है कि प्लीज़ डू समथिंग फॉर वेवर्स द लाइट बिल, वाटर बिल, गैस बिल, और ये टैक्सेस जो आते हैं उनके लिए वेवर करें एटलीस्ट 3 महीने के लिए। तो ये भारतीय आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।